Now stay tuned then. Hope all are fine and keeping safe. Are you all happy? Yes. I welcome you all to the new session of our Hindi class. Today we are going to see the rest of the exercise portion. Come to page number 36, second one, कहानी के लिए उचित शीर्षक चुने और कारण भी लिखे. Find out the right title for this story and give reasons. कर भला, हो भला. Second one, राजा का न्याय. Third one, उद्यम का फल. This one you can write yourself. Kar bhala ho bhala. It's do good and result good. Next one, Raja ka nyay. The justice of the king. Udyam ka phal means the result of hard work. These are the meanings. Then you can choose one proper, appropriate title for the story. Next one, सोचे और लिखे. परिश्रम भी एक अच्छी आदत होती है. इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखे. एकता, मित्रता, सच्चाई, ईमानदारी की ही तरह परिश्रम करना भी एक अच्छी आदत होती है. परिश्रम करने वाला अपने समय को बेकार नहीं गवाता. सदा कुछ न कुछ करते रहने वाला अपने परिवार, गांव और देश के विकास में सहायता करता है. काम करते रहने से उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं. इससे वह अपने ही नहीं सभी के जीवन में खुशियां भर देता है. हार्ड वर्क ऑल्सो अ गुड हैबिट जस्ट लाइक यूनिटी, फ्रेंडशिप एंड ट्रूथफुलनेस और सिंसियरिटी. परिश्रम करने वाला अपने समय को बेकार नहीं गवाता. And those who are doing hard work, they never waste their time. सदा कुछ न कुछ करते रहने वाला अपने परिवार, गांव और देश के विकास में सहायता करता है. And those people who is doing any work, they will always help for the development of their country and their family and the village. काम करते रहने से उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं. एंड दोज पीपल आर डूइंग द हार्ड वर्क, दे कैन कीप देयर माइंड एंड बॉडी हेल्दी. इससे वह अपने ही नहीं सभी के जीवन में खुशियां भर देता है. एंड थ्रू दिस नॉट ओनली ही फिल्स हिज माइंड but others' mind filled with joy and happiness. Next one, भाषा ज्ञान. Next one, भाषा ज्ञान. नीचे लिखे समस्त पद और उनका विग्रह पढ़े. Read the compounds. साफ और सुधरी. गृहस्वामी, गृह का स्वामी. प्रतिदिन, हर दिन, दिन दिन. आमोद और प्रमोद. सूर्य की किरणें. हाथ और पैर. जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, अर्थात एक ही स्तर के हो, त
तथा विग्रह करने पर योजक शब्द आए वहाँ द्वंद समास होता है, जैसे ईंट पत्थर, ईंट और पत्थर। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा पहले खंड के विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाए वहाँ तत्पुरुष समास होता है, जैसे जीव हिंसा, जीवों की हिंसा। जिस समास का प्रथम पद अव्यय अविकारी शब्द, अव्यय मीन्स अविकारी शब्द अव्यय हो और समस्त पद भी अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तीनों प्रकार के समासों के तीन तीन उदाहरण लिखे। फर्स्ट वन द्वंद्व समास। माता पिता, रात दिन, सुई धागा। नेक्स्ट वन तत्पुरुष समास। सभागृह, हाथी दांत, लोकप्रिय। नेक्स्ट वन अव्ययीभाव समास, प्रत्येक, यथाक्रम, आजीवन। नेक्स्ट पाठ से चुनकर विलोम शब्द लिखे। राइट पॉजिटिव, राइट ऑपोजिट्स। अनावश्यक, आवश्यक, सुविधा, असुविधा, आलस्य, परिश्रम, प्रसन्न, अप्रसन्न, व्यय, आय, सुविचार, कुविचार। थर्ड वन दिए गए मुहावरों से वाक्य पूरे करें। कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ गिवन इडियम्स। फर्स्ट वन का, कुमार और उसके साथी मुखिया की आँख का काटा हो गए। ख, गांव वालों की मेहनत से गांव का कायाकल्प हो गया। गा, कुमार और मुखिया में आकाश पाताल का अंतर था। मुखिया गांव वालों के भले कामों में अड़ंगा लगाता रहता था। गांव वालों ने खून पसीना बहाकर अपने गांव को खुशहाल बना लिया। फोर्थ वन, आप जानते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, द नेम ऑफ ऑल थिंग्स। सबके नामों के लिए प्रयुक्त शब्द ही सर्वनाम होते हैं। एंड सर्वनाम इज प्रोनाउन एंड सर्वनाम इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। इसके छह भेद हैं, सर्वनाम के छह भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। देन पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के फिर से तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं और हम, मध्यम पुरुष तुम और आप, अन्य पुरुष यह वह। निश्चयवाचक मीन्स यह वह, अनिश्चयवाचक कोई कुछ, निजवाचक आप खुद स्वयं, संबंधवाचक जो सो जैसा वैसा। And they're given, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, जो अकेला है सो क्षुद्र है। ऊपर लिखे रेखांकित शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक जो सो जैसा वैसा, यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स इफ यू मेक ए सेंटेंस वी कैन
called a sambandhavachak. उसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है. संबंधवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ते हैं, जो शब्द सो से जोड़ते हैं, जो सो जिस उस जैसा वैसा आदि संबंधवाचक सर्वनामों का वाक्यों में प्रयोग करें. जो सो जो बोते हैं सो काटते हैं. As you sow, so you reap. Then जिस उस जिसकी लाठी उसकी भैंस. जैसा वैसा जैसा करोगे वैसा भरोगे. फिफ्थ वन वर्ण ध्वनि विच्छेद करे. उपद्रव सुविधा उत्पाद. वन इज डन फॉर यू द टू वर्ण ध्वनि विश्लेषण यू हैव टू डू योर सेल्फ. डू इट योर सेल्फ. वी आर कंप्लीटिंग आवर लेसन अलॉन्ग विद दिस. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द New chapter. Till then, stay at home, stay safe. Thank you.